झारखंड के दुमका में एक एएसआई घूस लेते पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने घुसखोर एएसआई गोपाल प्रसाद साह को 5,000 रूपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। एसीबी ने ये कार्रवाई ई रिक्शा के मालिक उत्तम कुमार की शिकायत पर की। दरअसल दुमका के उत्तम कुमार ने ई रिक्शा लिया था और उसे भाड़े पर चलाने के लिए नारायण भंडारी नाम के एक शख्स को दे दिया। जून महीने में नारायण भंडारी के बेटे भोला भंडारी से ई रिक्शा चलाते समय एक एक्सीडेंट हो गया। इस एक्सीडेंट में एक शख्स की मौत हो गई। मामले में जामा थाना में भोला भंडारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ई रिक्शा को जब्त कर लिया गया। इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सहायक अवर निरीक्षक गोपाल प्रसाद साह को सौंपी गई। उत्तम कुमार अपना ई रिक्शा छुड़वाने के लिए कोर्ट के पास गया। कोर्ट ने ई रिक्शा का एक्सीडेंट रिपोर्ट की मांग जामा थाना पुलिस से की। उत्तम एएसआई गोपाल प्रसाद साह से मिला और संबंधित रिपोर्ट की जानकारी दी। एएसआई गोपाल प्रसाद साह ने एक्सीडेंट रिपोर्ट कोर्ट में भेजने के एवज में उत्तम से 5,000 रूपए घूस की मांग की, लेकिन उत्तम घूस नहीं देना चाहता था और फिर उसने अपनी शिकायत एसीबी से की। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए घुसखोर एएसआई गोपाल प्रसाद साह को गिरफ्तार कर जेल भेजा है।